हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फुली टेक्निक क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट 2022। इसमें देखेंगे कौन सा एमसीक्यू आपसे पूछा गया था आगे आने की, कौन सा एमसीक्यू का चांसेस ज्यादा है, कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चंस पूछा गया था, इस बार कौन सा यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना है। इन सारे चीजों को लेकर के हम बात करने वाले हैं आज का टॉपिक में, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक ऐसा चीज होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग का प्रिपरेशन कितना है और अभी कितना बाकी है, ठीक है, कितना कर लिए हैं, जितना किए हैं उनमें से कितना याद है, कितना याद नहीं है। तो इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि हमको और कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पे फोकस करना है, आने की संभावना जो अगले बार है वो कौन सा है, इन सारे बातों को एक ही सोल्यूशन से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते हैं तो दो तीन चीज एनालिसिस होगा कि जो क्वेश्चंस आया है वो क्वेश्चंस आने की संभावना उतना नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि जो 2022 में आ गया है वो 23 में आ सकता है, क्योंकि एसबीटी क्या करता है कि मोस्ट प्रोबेबली 40% तो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डालता ही डालता है, 60% वो चेंज करता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर बना लेते हैं तो 40% तो आपको ऐसे ही कंप्लीट हो गया, पास तो आप ऐसे ही हो गए 40% में, जो पास करना रहता है 70 में, तो 70 में आप 40% लाते हैं तो 28 नंबर है, तो 28 नंबर तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पास हो जाएंगे, बाकी का जो है वो आपको पढ़ने के लिए तो पूरा सिलेबस दिया गया है, आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं ये क्वेश्चन से हम लोग को पढ़ना है। अब जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सब फोटोज वगैरह जो है, या फिर यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया था, नहीं, यहाँ पे बस एक ही चीज मेंशन है पीवाई को 2022 इवेंट एलआईसी एक्सपेक्टेड एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा। तो ये बेसिक यही चीज है। अब ये कौन लोग हैं सर, तो बहुत लोग इनको जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि वही लोग हैं जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का फाउंडेशन बैच पढ़े हैं। फाउंडेशन बैच पढ़ने के साथ साथ इन्होंने जड़ी बूटी पीवाईक्यू हर एक कोर्स में इनरोल थे, और जब इनरोल हुए तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये जो लाए अपने कॉलेज टॉप कर करके आए हैं, पुटुन कुमार 646 मार्क, अंकुश कुमार 651 मार्क्स, ये वो स्टूडेंट है जो कॉलेज टॉप किए, नहीं तो ब्रांच टॉपर के, तो मतलब ये लिस्ट अगर जारी करें तो आप लोग देखते ही होंगे ब्रांच टॉपर का लिस्ट हम लोग उस रिजल्ट के टाइम जारी करते हैं। मैक्सिमम कॉलेज का ब्रांच टॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यहीं से होता है, लेकिन कॉलेज टॉपर भी यहां से निकलते हैं, ठीक है। ये थे 19-22 सेशन का, ये आपको करेंट सेशन में है, जो ये 1000 अवार्ड विनर जीत चुके हैं, 650 प्लस क्रॉस किए थे, इन्होंने 660 मार्क्स लाया था। पटना 13 का स्टूडेंट है रोहित कुमार, और उधर फिफ्थ सेमेस्टर का सत्य प्रकाश है, 649 नंबर लाया था, जीपी सिवान का। इन लोग भी कॉलेज टॉप अपना किया था, ओवरऑल चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, सब में टॉप किए थे। इससे यही पता चलता है हम लोगों को कि अगर हम लोग अगर मेहनत करें, यानी मेहनत करे तो इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट भी, इससे यही पता चलता है, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया, मेहनत करके अपना दिखाया। ये भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस का स्टूडेंट रह चुके हैं, और अभी भी करेंट में ये फोर्थ सेमेस्टर में मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं और ये सिक्स सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। आई होप यही द पॉलिटेक्निक क्लासेस आशा करती है कि इस बार ये रोहित इससे बेहतर करें, और सत्य प्रकाश 649 जो लाए थे ये भी इससे भी ज्यादा बेहतर करें सिक्स सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में। बाकी पूरा काम आपको रिजल्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन अच्छा किए हैं, या कोई वैसे स्टूडेंट है कि इनसे भी आगे निकल सकते हैं अपने मेहनत के बदौलत, ठीक है। तो आइए अब देर ना करते हुए उस चीज पे हम लोग बात करते हैं, जहां पे जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो चलिए, आप लोग का इंतजार खत्म होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, ऐसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्लास के दौरान ही करा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि सर एक जगह पे सारा कुछ होना चाहिए। तो एलआईसी का सबसे पहला क्वेश्चंस है, और ये आपका कहाँ से है, तो यूनिट वन से है। कहाँ से पूछा गया है बाबू, तो यूनिट वन से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ध्यान देना यूनिट वन से कितना है, यूनिट टू से कितना, वो सब सारी चीज आप लोग फोकस करते रहना। तो ये यूनिट वन से आपका क्वेश्चंस पूछा गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना बेसिक पूछना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करोगे, पूछ लिया। पूछा क्वेश्चन ये है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर नॉट फैब्रिकेटेड ऑन आईसी, यानी आईसी में कौन सा कंपोनेंट को फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता है। तो इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं
आपको जो पढ़ाया गया है मोनोलिथिक ट्रांजिस्टर पढ़ाया गया है सर, मोनोलिथिक रेसिस्टर भी पढ़ाया गया है और मोनोलिथिक डायोड भी पढ़ाया गया है। इनसे तो यही चीज हमें पता चल रहा है कि आंसर मुझे ना भी पता है तो उसका आंसर करके आएंगे। अगर हमको आंसर सच में नहीं पता है तो भी आंसर करके आएंगे कि वो कंपोनेंट जिसको फैब्रिकेट किए थे तीन को से तो आप आईसीएम बना लिए और चौथा अगर ना भी जानते हैं तो ऐसा ही आंसर है। तो क्वेश्चन तो मतलब बोले तो बेवकूफी का है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो डी होना चाहिए। ऐसे एक और इसका आंसर होता है इंडक्टर। आप लोग का ध्यान दिए होंगे कि जब आप लोग को हम पढ़ा रहे होंगे तो मोनोलिथिक इंडक्टर हम नहीं पढ़ाए हैं। क्यों नहीं पढ़ाए थे? तो इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, ज्यादा होता है। और ट्रांसफार्मर जो बना होता है वो कहीं ना कहीं इंडक्टर का कॉइल से ही बना होता है, जिसमें प्राइमरी बाइंडिंग सेकेंडरी बाइंडिंग दिस डेक लड़गा होता है। तो इससे हम आईसी फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं। यानी ऑप्शन आपका ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का बेसिक सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका ये था। दूसरा भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा बेसिक क्वेश्चन ये था कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ इंटीग्रेटेड आईसी, कहने का मतलब है कि आईसी जो है इसका मेन ड्रॉबैक क्या हो सकता है। यानी ड्रॉबैक एक ही मतलब होता है डिमेरिट, डिमेरिट। तो सबसे पहले इट यूजेस मोर पावर। तो सर ये तो मतलब कहना इसको पावर बहुत कम लगता है, तो एक ऑप्शन हो सकता है ये, चलो इसको मान लिए हो सकता है। बाकी ऑप्शन क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा ड्रॉबैक या डिमेरिट पूछता तो इसका आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन में लगाया मेन ड्रॉबैक में सबसे जो ये है कि उसमें हो ही नहीं सकता है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। तो पहला ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि पैरामीटर विद इन द आईसी कैन नॉट बी चेंज। यानी आईसी में जो पैरामीटर होता है जो हम लोग लगाते हैं उसको अगर खराब हो, जैसे ट्रांजिस्टर लगाएं, डायोड लगाएं, लॉजिक गेट लगाएं, उनमें से अगर चीजें खराब हो जाएंगे तो क्या उसको चेंज कर सकते हैं? तो नहीं चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये भी आपका डाउट में क्वेश्चन है कि ये भी डिमेरिट के अंतर्गत में आता है। इट यूज लेस एक्सटर्नल कनेक्शंस। तो ये तो भाई ये है कि एक्सटर्नल कनेक्शन बहुत ही कम होता है, तो ये तो ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। लार्ज इन साइज, आईसी का साइज लार्ज होता है, तो ये भी है। यानी तीन ऑप्शन यहां इसका डिमेरिट दिया था, एक नहीं है। अब इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि मेन ड्रॉबैक क्या है। तो अगर हम चाहें तो आईसी को बड़ा तो बना ही सकते हैं। अगर आईसी इतना बड़ा है, हम चाहें तो आईसी को बहुत ज्यादा कंपोनेंट लगा करके बड़ा बना सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। तो ये ऑप्शन आपका एक और गलत हो गया। होता नहीं है, ध्यान देना, आईसी का साइज स्मॉल होता है, जबकि यहाँ तीन ऑप्शन तो आप दे नहीं सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव आता तो हो सकता है बड़ी कि ये चलो सर होगा, लेकिन आईसी को एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि लार्ज इन साइज हम कर सकते हैं, यानी साइज बड़ा कर सकते हैं। दूसरा, अगर साइज बड़ा होगा तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगेंगे उसका पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी इक्विपमेंट कम तो पावर कम, इक्विपमेंट ज्यादा तो पावर ज्यादा। तो ये भी ऑप्शंस क्या हो गया आपको, गलत हो गया। अब एक ऑप्शंस इसमें आपको है वो जो करेक्ट होगा, यानी मेन जो ड्रॉबैक है वो यही होता है कि इसमें ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर इसका अगर खराब हो गया, अगर ये आईसी खराब हो गया तो इसके अंदर में चेंज नहीं कर सकते। इसका लाइव एग्जांपल है, जैसा कि आपका सपोज डेट जो मेमोरी चिप आप लगाते हैं, एक सिंपल सा बता रहे हैं, मेमोरी चिप जो आपने अंदर लगाते हैं इसमें इसका पैरामीटर में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई भी आईसी हो, पिन ड्राइव हो, या फिर बड़ा 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 जो आईसी जितना भी आता हो, कहीं भी मोबाइल है, ये कहीं भी अगर आईसी खराब होता है तो सीधा कहता है कि आईसी खराब है सर, नया ही लगेगा। आप लोग दुकान में जाते होंगे तो ये सब बताता है। तो उसके पैरामीटर को हम चेंज नहीं कर सकते उसका, अगर खराब हो जाएगा तो आईसी में। इसका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लॉजिकली। तीसरा है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसे हमें ना समझाने की आवश्यकता है ना बताने की आवश्यकता है। ऑक्सीडेशन, ये जो आप ए बी यूनिट वन से है, आईसी प्रोसेस अगर सब लोग पढ़े होंगे तो नौ प्रकार का नौ स्टेप में इसका पूरा प्रोसेस हम बताएं, जिसमें एक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोग जो करते हैं वो आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी ढंग से आपको बताया गया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इस चीज पे यहाँ टाइम स्पेंड किया जाए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आइसोलेशन, ठीक है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है, ये भी बताने का कोई मतलब नहीं है कि इसमें पूछा गया है सी एम आर आर का। वन मिनट,
इसमें पूछा गया है क्या सी एम आर आर का पूरा नाम, तो इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, कहाँ है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये चीजें है, ये आसान सा क्वेश्चन है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाला है, सी एम आर का वैल्यू क्या होता है, आइडियली आपको बताना पड़ेगा। तो याद रखना आइडियली इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। हो सकता है अगला क्वेश्चन कि सी एम आर आर होता क्या है सर, तो याद रखना ये डी एम अपॉन ए सी एम क्या होता है बाबू, ये डी एम अपॉन, देखो लिख दिए किस में, स्मॉल में, स्मॉल में नहीं लिखना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ए डी एम अपॉन ए सी एम, ठीक है ये होता है। ये ऐसा क्वेश्चन सी एम आर से पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आइडियली ए सी एम का वैल्यू क्या होगा सर, तो ए सी एम का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जब ए सी एम का वैल्यू जीरो होता है देन क्या होता है, सी एम आर का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी ए डी एम अपॉन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हो सकता है आने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और इस पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइडियली पूछा जाएगा सी एम आर का वैल्यू क्या होता है, तो इनफाइनाइट होता है। चलिए आगे क्वेश्चंस है, यूनिट वन से क्वेश्चंस इतना ही था, अब क्वेश्चंस आता है यूनिट टू से। यूनिट टू में बहुत आसान सा क्वेश्चंस आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, फोर्थ सेमेस्टर में, न जाने हर एक पेपर में चीजें देखने को मिला होगा कि फीडबैक इज प्रोवाइडेड, जो हम फीडबैक हम लोग देते हैं वो फीडबैक कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ओपन लूप में, क्लोज लूप में, दोनों में, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चंस आसान है, काफी ईजी है कि हम क्लोज लूप में क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ये हमें समझाने और बताने की उतना आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो आप लोगों को लाइव सेशन हम बताए हैं, लाइव सेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना, लाइव सेशन का दूसरा वाला वीडियो पार्ट टू वाला देखिएगा, इनमें से हम सारे का जिक्र वहां पे हम कर चुके हैं। द वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जो बोलते हैं, किस एम्पलीफायर को बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन है वोल्टेज ट्रांसकंडक्टेंस ट्रांस रेजिस्टेंस करंट एम्पलीफायर, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाएगा कि कैसा से कैसा कन्वर्टर है, क्या वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर है, या वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है, या करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है, या करंट टू करंट कन्वर्टर है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर है, जबकि करंट एम्पलीफायर करंट टू करंट यानी आई टू आई कन्वर्टर है, और ये होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। कंफ्यूजन ना इसमें होता है ना लोगों को इसमें होता है, तो इस बार का भी एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आने वाला है इन दोनों से आने वाला है, और ये आपका रहा एचडब्ल्यू, ठीक है। ये दोनों जगह हम बता चुके हैं, क्लास में भी बताए हैं बहुत डीपली में, और लाइव सेशन का दूसरा दिन जो आप लोग का है वहां भी ये बता चुके हैं कि ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, और इसका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है, ये भी हम वहां पे बता चुके हैं, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि ये ज्यादा बताने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, ट्रांस रेसिस्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस में काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है, ये अगर देख के आप जाएंगे तो आई होप आपको नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन ना बनेगा, तो इसको प्रीफर करेंगे दूसरा वीडियो जो एप्लीकेशंस वाला बताए थे उसका, शायद कहां पे बताए होंगे, तो जहां पे करेंट टू करेंट कन्वर्टर और सॉरी करेंट टू वोल्टेज कन्वर्टर और वोल्टेज टू करेंट कन्वर्टर, वहां पे इन दोनों लिखेंगे, या फिर अपना नोट्स को खोलिएगा वहां पे ये मिल जाएगा। ये एसडब्ल्यू इसलिए दे रहे हैं कि जो करके जाएंगे वो मार्क्स उठाएंगे, जो ना करके जाएंगे ये आसान वाला हम बता दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहां पे कंपेयर टू वोल्टेज, दो वोल्टेज को कंपेयर करता है उसको क्या बोलते हैं सर, कंपैरेटर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार का क्वेश्चन के लिए वीवीआई लगा लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटर आपसे पूछने जा रहा है, ठीक है। अब क्या पूछेगा डिफरेंशिएटर में वो आगे बताएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कंपैरेटर आपका क्या, दो वोल्टेज को कंपेयर करता है उसे कंपैरेटर बोलते हैं। चलिए आगे, हाँ ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 काफी अच्छा से पढ़ा होगा उसको, ये हल्के में, ये तबड़ा लैंग्वेज झूठ का है, जो थोड़ा कॉन्सेप्ट ओपन कर रखता होगा, और जो 5, 6, 7, 8 में एक एवरेज पढ़ना रहता था कि एवरेज निकालो, वही क्वेश्चन से यहाँ पे मजाक में दे दिया है। कहता है कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट और 7 वोल्ट जो वोल्टेज है, ये 3 इनपुट टर्मिनल अप्लाई किया जा रहा है, किस कौन सा बाबू, इस पे फोकस करना, इन्वर्टिंग पे। इन्वर्टिंग का मतलब आंसर में तो माइनस आना ही आना है सर, अगर नॉन इन्वर्टिंग बोलेगा तो प्लस आएगा, तो पहले चेक कर लो,
सब में माइनस है, तो चलो ये तो यहाँ पे क्लियर नहीं, जिसमें माइनस ना रहता वो ऑप्शन पहला ही गलत हो जाता। तो ऑप्शन छांटने के लिए भी सीखो, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे ये दिया गया और वो क्या करना है, एवरेज निकालना, एवरेजिंग एम्पलीफायर देन आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस एम्पलीफायर। तो ये कुछ नहीं करो, इसका एवरेज निकाल दो। एवरेज निकालने के लिए सब को करते हैं समेशन और जो नंबर होता है उतना डिवाइडेड बाई कर देते हैं, यानी एक दो तीन नंबर है तीन, तो तीन से डिवाइड कर दिए, चार नंबर होता है चार से डिवाइड कर दिए। हाई इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आ गया, आंसर हो गया, खत्म कहानी। देखो पांच तीन आठ सात पंद्रह, यानी माइनस पंद्रह बट्टा तीन इज इक्वल टू माइनस फाइव, कहाँ पे है ये ऑप्शन में है, खत्म कहानी। अगला बार आपसे हो सकता है कि यहाँ पे एडिशन आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना, एडिशन पूछ लिया जाए, हो सकता है कि सब अट्रैक्शन पूछ लिया जाए, हो सकता है कि लॉग पूछ लिया जाए, हो सकता है कि आपसे एंटी लॉग पूछ लिया जाए। दे दिया भाई लोग, पूछेगा क्या भाई लोग होता है, तो बेसिक जिनका मैथ कंप्लीट है वो आसानी से बना लेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट जो लगेगा से चाहे तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेगा या नॉन इन्वर्टिंग, दो तो है ही, तीसरा तो कोई है नहीं, तो भाई दोनों यूज करेगा, इन्वर्टिंग में माइनस नॉन इन्वर्टिंग में प्लस लगेगा। चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन। हाँ ये यहां से पूछेगा, ये पहले पूछा है ओपेम इंटीग्रेटर यूजेस, तो आपसे पूछने वाला है यहां पे डिफरेंशिएटर, या लिख लो क्वेश्चन आने वाला है, आपसे पूछने वाला है डिफरेंशिएटर, कि डिफरेंशिएटर में कौन सा एलिमेंट को एज अ फीडबैक हम लोग यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटर में हम लोग जो फीडबैक यूज करते हैं वो कैपेसिटर यूज करते हैं, तो कैपेसिटर एज अ फीडबैक एलिमेंट। तो आपको बताना होगा कि डिफरेंशिएटर में कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं फीडबैक में, या फिर आपसे पूछने वाला है कि सर लॉग जब यूज करते हैं तो कौन सा फीडबैक एलिमेंट लगाते हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि एंटी लॉग एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक यूज करते हैं। ये तीनों आपके 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, क्वेश्चन आएगा यही, ठीक है ना, 23 के लिए। और ये आपका रहा HW, ठीक है, ये सब नोट्स में खोजना, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा नोट्स में, और क्लास के दौरान तो हम कराए ही हैं, नोट्स पढ़ना ये करना, मिल जाएगा आंसर, ठीक है, कोई भी नहीं है, मिल जाएगा। यहाँ पे डायोड या रेसिस्टर लगेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी रेसिस्टर या कैपेसिटर लगेगा, तो ये एक का तो आंसर हम बता देते, कैपेसिटर है जो फीडबैक एलिमेंट, तो यहाँ पे डिफरेंस रेसिस्टर है जो फीडबैक एलिमेंट। अब इन दोनों में खोज लेना, चाहे तो डायोड इसमें लगेगा नहीं तो डायोड इसमें लगेगा, ठीक है, ये कि मैं डायोड लग जाएगा, दूसरा मेरा सिस्टर लग जाएगा, इनडायरेक्टली रूप से आंसर हम बता दिए हैं, बाकी सोचने वाला सोच लिए होंगे। चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे क्वेश्चन है ये इस बार के लिए एमसीक्यू नहीं, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ करके जाना, 4 मार्क्स में आपसे पूछने जा रहा है इस बार, ठीक है। क्वेश्चन है एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर हैज हाई, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में हाई क्या होता है, तो ऐसे भी आउटपुट एम्पिडेंस तो लो ही होता है, खत्म कहानी। पावर गेन हाई हो सकता है, मान लेते हैं, सप्लाई वोल्टेज तो हाई नहीं होगा, यानी CMR, अभी आपको बताया कि CMR का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, इससे बड़ा कोई हाई नहीं हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर में कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, हाई होता है, तो 10 का आपको आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन से ये काफी आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया है कि अगर वी रिफरेंस 9.6 वोल्ट और इनपुट वोल्टेज अगर 3.5 वोल्ट देंगे तो आउटपुट ऑफ स्क्वायरर सर्किट, यानी स्क्वायरर सर्किट को अगर ये देंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक आता है वी नॉट इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बनेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। कुछ नहीं करना है कि ये इनपुट है और ये भी रिफरेंस वोल्टेज है, अगर आपको बनाया जाए तो यहाँ से आप इस तरह से ओपन करके बना सकते हैं स्क्वायरर सर्किट में, ठीक है। सपोज दैट अगर ऐसे नहीं बनाना चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग, कि मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई एक इनपुट वोल्टेज है और ये स्क्वायरर सर्किट है, क्या स्क्वायरर सर्किट है, ये आउटपुट है, यहाँ से भी क्या दे रहा है, भीन दे रहा है, और मान लेते हैं कि ये भी रिफरेंस कोई आपका वैल्यू है और यहाँ पे भी नोट है, ठीक है। अब भी रिफरेंस का वैल्यू आपको गिवेन है और आपको वैल्यू इनपुट भी गिवेन है, आपको सिर्फ पूछ रहा है कि आउटपुट का क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला कुछ नहीं, काफी आसान है। तो फॉर्मूला अगर इसको लिखना है तो फॉर्मूला लिख लो कि वी नॉट इज इक्वल टू आता है वी इन के स्क्वायर बाय वी रेफरेंस। कहने का मतलब क्या है कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर ओपेम्प में
पहले भी बता चुके हैं कि अगर ओपन में ये जो भी रेफरेंस का वैल्यू या वीसीसी का वैल्यू होता है, अगर ये 15 वोल्ट दे दिए तो प्लस 15 माइनस 15, तो इनपुट में आप कुछ भी दे दीजिए आउटपुट में आएगा तो 15 से ज्यादा नहीं आएगा। आइडियल केस में आएगा तो 15 प्लस माइनस 15 आ सकता है, लेकिन 15 से कभी ज्यादा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आगे चल करके ये जो ग्राफ पढ़ाए थे आप लोगों को, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, वहां पे सैचुरेट हो जाता है, उससे ज्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकता है। तो वही चीज यहां है कि इनपुट में स्क्वायर सर्किट को दो, लेकिन भी रेफरेंस का जो वैल्यू है इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकता है। कहने का मतलब कि 9.6 वोल्ट से ज्यादा तो आंसर आ ही नहीं सकता है। तो पहला ऑप्शन तो 10 वोल्ट से ही गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया ना। आंसर हो सकता है 1.27 या 2.86, अब कुछ भी करो। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करो तुम, क्या आएगा देखो, इनपुट वैल्यू कितना है 3.5 इंटू 3.5 बाई 9.67, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट। अब कैलकुलेशन तुम लोगों को करना है कि 35 × 35 बट्टा 967। अब कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो कर देना। आंसर क्या आएगा तो हम भी देख ले, आंसर आना है आपको 1.27, कर लेना, यही आंसर आएगा आपको, ठीक है, यही आंसर आना है, ठीक है। तो ये आंसर आपका बी आएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, हम कैलकुलेशन किए हुए थे तो आंसर आपको बता दिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे, आउटपुट इनपुट जो भी बताए हैं वो ध्यान में रखेंगे। अब ये आता है आपको, अब यहां से यूनिट टू आपका पूरा समाप्त हो गया, यानी यूनिट वन और यूनिट टू से कितना क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, थोड़ा देख लो, ध्यान दे दो इधर, क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी 11 क्वेश्चंस यूनिट वन और टू से, जबकि यूनिट वन से 3 पूछा गया, यानी यूनिट टू से 8 क्वेश्चंस, बाप रे, मतलब 40% से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ यूनिट टू से सर आना ही है, आएगा ही आएगा। अब ये पीएलएल यूनिट 3 से आ गया। अब पीएलएल में बताया गया कि इन व्हिच स्टेट पीएलएल ट्रैक एनी चेंज इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी पीएलएल जब आप लोग हम पढ़ा रहे थे तो इसका 3 स्टेट बताए थे, एक बताए थे फ्री रनिंग स्टेट, एक बताया फेज लॉक्ड स्टेट, एक बताया था कैप्चर स्टेट, ये तीनों स्टेट होता है। फ्री रनिंग स्टेट किसको बोलते हैं, जब कोई इनपुट हम अप्लाई नहीं करते तो फ्री रनिंग स्टेट होता है, जब कोई इनपुट अप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है कैप्चर स्टेट उसके बाद हो जाता है, और जब इनपुट जो होता है वी आउट बराबर भिन्न हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो ये फोट बराबर ये फिन हो जाता है, तो ये फेज लॉक हो जाता है। तो ये कहता है कि पीएलएल ट्रैक, जब ये ट्रैक करता है, जब एनी चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी, कोई इनपुट फ्रीक्वेंसी में चेंज ऐसा ट्रैक करता है, तो इसके पहले कौन सा स्टेट में रहता है, वीच स्टेट में रहता है। पीएलएल जब ट्रैक होता है तो वो स्टेट में जो रहता है वो फेज लॉक्ड स्टेट में रहता है। जब इसको हम लोग चेंज करते हैं तो फिर से रिपीटेशन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, देन आफ्टर फिर से कहां पे आएगा, फेज लॉक्ड स्टेट में आ जाएगा। फिर कुछ करेंगे इनपुट फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो फिर से रिपीटेशन प्रोसेस करना पड़ेगा और फिर से ये चीज आएगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि फ्री रनिंग स्टेट जब हम लोग इनपुट नहीं अप्लाई करते हैं, जब इनपुट हम नहीं देते हैं, उससे पहले तक का फ्रीक्वेंसी या उससे पहले तक का जो स्टेट होता है वो फ्री रनिंग स्टेट कहलाता है। जैसे ही हम लोग बीसीओ को इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं, अब इनपुट जैसे ही हम लोग प्रोवाइड कर दिए तो वो जो स्टेट हो जाता है कैप्चर स्टेट हो जाता है, और वहां जब दिए तो बाहरी तो होगा, बाहरी होगा, जब एफ आउट बराबर एफ इन या फिर वी आउट बराबर वी इन हो जाता है, ऐसा के साथ जब आ जाता है तब फेज लॉक स्टेट में चला जाता है। इसके बाद कुछ ट्रैक करे इनपुट फ्रीक्वेंसी में चेंज करे तो रिपीटेशंस के बाद फिर से फेज लॉक स्टेट में आना होता है, क्योंकि पीएलएल का पूरा नाम होता है फेज पीपीएल, यहाँ पे लिखा देखो, अभी हम ध्यान दिए, देखो यहाँ पीएलएल कर लेना, पीपीएल नहीं, फेज लॉक लूप होता है, ठीक है ना, पीपीएल ये मिस्टेक से हो गया, ठीक है, यहाँ पे पीपीएल नहीं पीएलएल, हम दो बार ध्यान दिए लेकिन हमको लगा गलत लिखा हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी पता चल गया, ठीक है, तो वहां पीएलएल होगा, चलो ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बन गया होगा। दूसरा है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है बीसीओ से, ये कहता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब वीसीओ का आउटपुट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाएगा विथ इनपुट सिग्नल। कहने का मतलब है कि अगर इनपुट सिग्नल ये अप्लाई किए ये, और ये कितना डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाए आउटपुट में, 90 डिग्री, अब ये 180 होता है तो ये तो इन्वर्ट कर जाता है,
180 होता है तो ये पूरा से पूरा ऐसे हो जाता है। अब अगर 90 डिग्री होगा आउट ऑफ फेज तब क्या होगा, अगर होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या परफेक्ट लॉक बोलेंगे या शिफ्ट इन फेज कंपैरेटर बोलेंगे या फिर एटेन्यूएटर बोलेंगे या एरर सिग्नल इज रिमूव्ड ये बोलेंगे। तो आपको यहां पे जो बताना है वो क्या आंसर होगा, सोचने की बात है कि सर 180 होता तो अलग बात होता या सर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, ऐसा तो आपने पढ़ाया नहीं है। तो आपको बता दे कि अगर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल देन VCO जो होगा परफेक्ट लॉक स्टेट में होगा, एरर यहां पे जीरो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एक ऑप्शन सर एरर सिग्नल इज रिमूव्ड तो भी है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर यहां पे आप कहे जाए कि एरर सिग्नल इज रिमूव, आप कह रहे कि एरर सिग्नल जीरो हो जाएगा, क्या मतलब है इन दोनों में। तो आपको बताएं कि एरर सिग्नल जीरो कहने का मतलब यह होता है कि वो खत्म नहीं हुआ है, वो जनरेट हो सकता है। इसका परफेक्ट जो आंसर है वो आपको परफेक्ट लॉक हो जाएगा, यानी परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट लॉक हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये हो जाएगा कि व्हाट हैपेंस होता क्या है, तो होता यही है कि वो जो VCO जो होता है वो परफेक्ट लॉक हो जाता है, यानी ये एरर सिग्नल के इससे हमको कोई मतलब नहीं है, यानी VCO से हमको मतलब है कि VCO पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब आउटपुट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, क्लियर है। तो ये आई होप ये चीजें समझिए होगा, क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है। आगे क्वेश्चन सर ये आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, वन मिनट, ये आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, ये सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, ऐसे आपको बता दे कि सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन आंसर बता दे कि कौन सा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, ठीक है, फास्टेस्ट होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इसका आंसर ना सर्वो कन्वर्टर होगा ना काउंटर होगा ना ये होगा ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ये फ्लैश टाइप या फिर इसको कंपैरेटर टाइप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको आंसर आपका सही है, सबसे फास्टेस्ट यही होता है और इसमें आठ कंपैरेटर और आठ रेसिस्टर वगैरह लगाया था दिस डेट, तो ये काफी हो जाता है महंगा, मतलब खरीदने में कॉस्टली हो जाता है। सिंपल तो कनेक्शन होता ही है, ठीक है ना, लेकिन सबसे कम जो फास्टेस्ट होता है किस कितना भी इनपुट सिग्नल को वन क्लॉक में ये कंप्लीट कर देता है, एक ही बार में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। इसमें पायरेटी चेकर वगैरह भी लगाया जाए जिसके कारण से ये मोटर, तो आपको बता दें ये सिलेबस से रिमूव कर दिया, इसको पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, तो आपने सिलेबस से मैच करा लेंगे वहां पे ये रिमूव कर दिया गया, ये भी आपको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर है दिया हुआ तो आप पढ़ लीजिए, आगे चल करके जेई वगैरह में काम देगा, ठीक है। यहाँ बोलता है स्मॉलेस्ट रेसिस्टर 12 बिट के है, वेटेड रेसिस्टर जो होता है DAC होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का टाइप है, जिसमें आपको दिया गया है कि 2.5 ओम, यानी स्मॉलेस्ट रेसिस्टर का वैल्यू है 2.5 ओम और बिट जो दिया गया है 12 बिट, ठीक है। तो इसका क्या होगा लार्जेस्ट रेसिस्टर, यानी इसमें जो लार्जेस्ट रेसिस्टर आएगा वो क्या होगा, तो लार्जेस्ट रेसिस्टर के लिए आपको बता दें इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2k power n इंटू स्मॉल आर होता है, इंटू स्मॉल आर होता है, यानी स्मॉल रेसिस्टर होता है। अब 2k power n मतलब n इज इक्वल टू कितना दिया गया है बाबू, 12 बिट दिया गया, 10 बराबर 12 हो गया, तो 2k power 12 इंटू इसका वैल्यू 2.5 ओम दिया गया है, तो 2.5 ओम हो जाएगा, 2.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग कर लेना, इसका करोगे तो आंसर कितना आएगा, वो आंसर हमारा किया हुआ है आपको हम बता दे, इसका आंसर आएगा 1024 मेगा ओम, ये आंसर आना है, यानी इसका आंसर देखना तो ऐसा आएगा 10.24 इंटू 10^6 ओम आएगा, ऐसा भी आ सकता है, आप लोग कैलकुलेटर में रखना वैल्यू, तो ऐसा आएगा या फिर इतना जीरो आएगा, हो सकता है कि और भी चीज आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना, ये 10^6 इधर करेंगे तो ये 4 होगा, तो ये आपको इधर ये पूरा इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो क्या होगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 से 100 काटेंगे तो 4 हो जाएगा, तब 1024, ऐसा भी आंसर आ सकता है आपको यहाँ पे, कितना है 1024 पे 4 0 1 2 3 4, तो कुछ भी आ सकता है, तुम लोग देख लेना, इसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन से ये फॉर्मूला याद रखना, ये जो फॉर्मूला हम बताए हैं ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे,
आगे है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया सर? क्वेश्चन नंबर 16 में कैलकुलेट द रेजुलेशन ऑफ 10 बिट एडीसी कन्वर्टर इनटू इनपुट रेंज। अब ये रेजुलेशन का फॉर्मूला है। अब रेजुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग को बता दे। रेजुलेशन का फॉर्मूला होता है आपको वी एफ एस माइनस 2 के पावर n-1। अब इसमें फॉर्मूला पे पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करना है सर? तो वीएफएस क्या होता है तो आपको बता दे, वीएफएस का पूरा नाम है फुल स्केल वोल्टेज। फुल स्केल वोल्टेज और एन क्या है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट है, नंबर ऑफ बीट है, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे रेजुलेशन निकालना है, कभी कभी क्या कहता है परसेंटेज रेजुलेशन निकालने के लिए कहता है, तो इनटू आपको 100 करना होगा। लेकिन परसेंटेज रेजुलेशन से यहाँ पे नहीं बोला है, मैंने अक्सर बोलता है कि परसेंटेज रेजुलेशन निकालना है। अब यहाँ एन का वैल्यू कितना है बताओ? एन का वैल्यू है सर 20। और वीएफएस का वैल्यू कितना है सर? तो वीएफएस का रेंज तो दिया गया और 10 वोल्ट दिया गया है, फुल स्केल वोल्टेज 10 है। तो अगर आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? 10/2 के पावर 10-1, यानी 10/2 के पावर 10 के 1024, यानी 2 के पावर यहाँ पे 1024 10 हो जाएगा, 1024-1 1023, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में रहेगा तो ये आंसर है, ऑप्शन में ये नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं है तो तुम उसको भाग देना। भाग देगा तो कितना बार में लगेगा देखो ध्यान से, अगर वो भाग देगा तो 10 है बट्टा में नीचे क्या 1023 है। अगर पॉइंट भी दोगे तो एक जीरो तो भी ना लगेगा, यहां जीरो देगा तो भी नहीं लगेगा, एक और जीरो देगा तब यहां पे एक जीरो आएगा। ये सिंपली है कि 9 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो यानी मिली में हमको निकालना होगा तो ये 9 तो इधर आ जाएगा, ठीक है, और करना होगा तो आंसर जो इसका आना है वो क्या आएगा? 9.7 अप्रोक्सीमेट, यही आंसर आएगा। मिली मिली का मतलब क्या होता है? 10 के पावर 3 है, यानी ये जो भी आएगा इंटू 10 के पावर -3 अगर करोगे तो ये चीजें दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 9 यहाँ 9 हो जाएगा, ये मिली हो जाएगा, तो 9 अप्रोक्सीमेट ये है। तो ये कैलकुलेटिव है, ये सब है, और ये भी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है आपका। ये क्या कर दिया है? सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ये टू डी कन्वर्टर या डी टू ए कन्वर्टर पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको ओल्ड सिलेबस करके वीडियो दिया गया, वो सब यह चीज बताया गया होगा वहां पे, लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया है। हमें क्वेश्चन दिया था तो हम बता दिए। अब जो आता है हमारा आईसी रेगुलेटर यानी यूनिट 5 से क्वेश्चन पूछा गया है कि IC 743 आपको पढ़ाए हैं कि ये क्या होता है, एक प्रकार का जनरल पर्पस वोल्टेज रेगुलेटर होता है। इसका आंसर ये आपका सही हो जाएगा, तो और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मल्टी वाइब्रेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मल्टी वाइब्रेटर क्या है? एक प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, व्हिच इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट। तो मल्टी वाइब्रेटर अगर आप बना रहे हैं तो मल्टी वाइब्रेटर में आप लोग को पढ़ाया होंगे ई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसमें टाइम कॉन्स्टेंट पढ़ाया होंगे आपको RC, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या करता है सर? स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। क्या करता है? स्क्वायर वेव को जनरेट करता है, और जो जनरेट करता है वो क्या होता है सर? ऑसिलेटर होता है। और ये RC क्या है सर? ये टाइम सर्किट है सर, टाइम सर्किट है, टाइमिंग सर्किट है। ऑसिलेटर ऑप्शन में होगा, होगा सर, टाइमिंग सर्किट टाइमर होगा सर। अब ये बताने का चीज है कि मल्टी वाइब्रेटर कितने स्टेट में काम करता है? 2 स्टेट 0 और 1, दैट इज कॉल्ड अ फ्लिप फ्लॉप। यानी इसका बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी होता है ये, यानी दोनों स्टेट कभी ये करता है। तो यानी तीनों ऑप्शन सही, तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। याद रखना मल्टी वाइब्रेटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि इंप्लीमेंट होता है, चाहे तो ऑसिलेटर के लिए, चाहे फ्लिप फ्लॉप के लिए, चाहे टाइमर के लिए, या फिर तीनों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में है कि बीच वन GF नहीं समझना है इसको, ठीक है ना, इसको पढ़ना वन ऑफ लिखा लो OF, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। को OGF लिखा है सर, क्या होता है इसका मतलब? तो कुछ नहीं है। तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्विचिंग मोड रेगुलेटर। आपके नोट्स में देखना, स्विचिंग मोड रेगुलेटर में तीन चीज पढ़ाए हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन और इन्वर्टर। ये तीनों आपको हम पढ़ा चुके हैं, या फिर इसको पढ़ाए हैं बाक बूस्ट एम्पलीफायर कन्वर्टर, ऐसा देखना। तो ये तीनों होता है, यानी ऑल ऑफ द आंसर। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा।
अब यही लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का। एमसीक्यू में पूछा गया वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ऑफ VCO इक्वल टू, यानी अगर बोला गया है कि वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, यानी कोई भी वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी, यानी वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, यानी इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा वोल्टेज, आउटपुट क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी होगा, यानी वोल्टेज देंगे फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो VCO में क्या होता था पता है ना, वही होता है। तो फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, यानी अगर हम बोले कि यहां पे आउटपुट है ठीक है और ये आपका इनपुट है, ऐसा वन मिनट उल्टा लिख दिए ना, हमारा फ्रीक्वेंसी है और ये आउटपुट है, क्या फैक्टर होगा इसका, तो फैक्टर आपको यहां पे निकालना है कि फैक्टर क्या होगा ठीक है। तो ये इनपुट दिए हम, इनपुट दिए ये, आउटपुट मिला फ्रीक्वेंसी, इसलिए वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन हो गया। तो किस VCO किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, तो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो अब हम लोग देखते हैं। वो फॉर्मूला के तहत पे आपको बताना है, ये नोट्स में भी आपको मेंशन रहेगा, बताया रहेगा ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर होता है वो आपको होता है KV, क्या होता है KV, और यही फैक्टर पे ये डिपेंड करता है ठीक है। ये फैक्टर जो होता है कि चेंज होता है, यानी KV है ठीक है, ये फैक्टर है किसका, VCO का ठीक है। अब ये जो है चेंज इन आउटपुट फ्रीक्वेंसी टू द चेंज इन VC का इनपुट वोल्टेज, यानी VC मतलब कंट्रोल वोल्टेज, जब VC आप लोग को पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने VCO को कंट्रोल वोल्टेज के रूप में यूज किया था। तो टोटल 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो काफी आसान है, जो वेरी इजी है हमें जहां तक लगा, जितना हम पढ़ाए हैं अगर उतना पढ़ लो तो 15 क्वेश्चन वेरी इजी है। अब बताना तुम लोग है कि नहीं है ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है ADC DAC उसको हटा ही दिया गया है ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि उसमें से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल होगा, यानी कहा जाए तो मीडियम आएगा, जो लोग अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे वो बना लेंगे, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चंस या फिर 3 क्वेश्चन जो आएगा ये थोड़ा सा हार्ड आएगा या फिर आउट ऑफ सिलेबस आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आएगा। आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब वो टॉपिक मैंने सिलेबस में नहीं पढ़ना होगा, उससे आ सकता है। 15 क्वेश्चन गारंटी है कि नोट से आएगा ही आएगा, लेकिन 2-3 थोड़ा जो डीप में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल याद करेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा, उनसे 2-3 न्यूमेरिकल पूछा गया है तो बना सकते हैं। तो ओवरऑल हम एवरेज अगर निकाले हम इसका कि तुम लोग कितना 20 में से बना सकते हो, तो एक मीडियम स्टूडेंट जो पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं वो मीडियम 17 से 18 MCQ बना सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आशा करेंगे कि ये सब लोग करें, और ऐसे तो विश्वास है कुछ लोग तो 20 out of 20 करके आएंगे, विश्वास है हमें 20 out of 20 करके आएंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस वो उतना टफ नहीं पूछा जाएगा जो आपसे नहीं बन सकता। जितना हम कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस आना है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान देंगे। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे कैसा आया है क्या आया है, बाकी 20 क्वेश्चन आपको करा दिए। ये ग्रुप ए कंप्लीट हो गया, ग्रुप बी का आपका सॉल्यूशंस कुछ लेक्चर्स वीडियो से दे दिया गया है, जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हम कराएंगे। तो अगले वीडियो में जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था, 2-3 न्यूमेरिकल है वो आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।